वीर बडाल जिंदाबाद, वीर बडाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वीर बडाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भाई कहाँ है? राजा भाई आते जाओ। राजा भाई मरा क्या फरा भाग रही भाई अब राजा भाई कहाँ हो? हाँ हूँ। अजीम पाशो जिंदाबाद, अजीम पाशो जिंदाबाद, अजीम पाशो जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुरादाबाद जनपद के वार्ड 46 में आपको लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं भाजपा जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम यहां मौजूद है, इनसे जानेंगे निकाय चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है और आज क्या प्रोग्राम इन्होंने किया है। सर क्या नाम है आपका और क्या प्रोग्राम किया आपने? मेरा नाम समीर पठाना, आज मैंने सम्मान समारोह किया है। सम्मान समारोह किसका सम्मान समारोह किया? हमारे महानगर अध्यक्ष है अधीन पहचान संख्या मोर्चा के, उनका करा है। अच्छा क्यों किया है? वो बहुत मेहनत करते हैं पार्टी को लेकर और वो सबको जोड़ने का काम करते हैं पार्टी के अंदर। अच्छा आइए जानते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अजीम पाशा जी से जानेंगे उनकी पार्टी को लेकर कितनी तैयारी है। जी अजीम पाशा जी, आप काफी लोगों को जोड़ने का काम भाजपा में कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है महानगर अध्यक्ष की वो आप पर है, तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? भारतीय जनता 29 टिकट दे रही है इस महानगर के अंदर मुस्लिम समाज को, उसमें जो बेहतर प्रत्याशी होगा उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उसे हम चुनाव में उतारेंगे हर एक वार्ड के अंदर। और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं समीर पठान, ये अपने यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसी हर मंडल की टीम संघर्ष कर रही है महानगर की। तो मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में और निकाय चुनाव में सफल बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, काफी लोग बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानेंगे कि आपका पार्टी में क्या रोल है और आप किस वार्ड से हैं? जी मेरा नाम फरहान अंसारी है और मैं वार्ड 41 से हूँ। जब भाजपा जो है जनता को जोड़ने का भी काम कर रही है, पसमंदा समाज को जोड़ने का काम भाजपा कर रही है, भाजपा कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव हो, फैसला फिलहाल कोर्ट में है, अभी इसकी तारीख नहीं आई, क्या कहेंगे आप? जी कोर्ट का ही फैसला का इंतजार है सारे प्रत्याशी को, उसी के आधार पर काम होगा। अच्छा पार्टी की कितनी तैयारी चुनाव को लेकर के है? लगभग सारी ही पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के, बस कोर्ट के फैसले को लेकर इंतजार है हमारा सबका। भाजपा की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है, आपसे जानेंगे। देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा तैयार है, अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरी तैयारी कर ली है और आज हमने समीर पठान उपाध्यक्ष हैं मंडल के, महानगर अध्यक्ष जी ने पूरी टीम की बैठक ली है, मेरा बूथ सबसे मजबूत उस नारे पे हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को पूरा पूरा पूर्ण तरीके से मजबूत करेगा और आने वाले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ हर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी इस बार पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ेगा, ये हमारा वादा है। अच्छा आगे की क्या तैयारी, क्या रणनीति भाजपा की रहेगी, क्या रणनीति है भाजपा की? देखिए सबसे बड़ी रणनीति यही है कि जो लोग पिछड़े समाज के थे उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, पसमंदा एक सम्मेलन कराया जाएगा मुरादाबाद में, अभी कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, सम्मेलन होगा जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी जी भी होंगे, दानिश आज़ाद अंसारी राज्य मंत्री हैं वो भी होंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वासित अली जी के नेतृत्व में होगा और मुरादाबाद के जो कमान संभालेंगे हमारे महानगर अध्यक्ष माननीय अजीम पाशा जी संभालेंगे। इंशाल्लाह आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि भाजपा के अंदर आकर आप लोग जुड़ें और भाजपा का हाथ मजबूत करें और जो लोग जो जैसे समाजवादी पार्टी है कांग्रेस है इन लोगों ने आज तक हम लोगों को लूटा है, वोट बैंक की राजनीति पे हम लोगों को लूटा है, सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि भाजपा आपकी दुश्मन है, भाजपा आपका ये करेगी वो करेगी, इस बात से आप लोगों को डरा डरू के भाजपा को डरा के इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति की है और कोई भी काम किसी का कुछ नहीं हुआ है, तमाम गुंडागर्दी बंद कर दी गई है, बाबा की सरकार है आप लोग देख लीजिए। जी योगी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बहु बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी की सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में। डबल इंजन की सरकार है, आप खुद देख सकते हैं, आप एक महिला हैं, आप पूरे तरीके से आप खुद बता सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है, आप बता दीजिए किसी की बहन बेटी को कोई बाहर छेड़ता हो या किसी की कोई जमीन पे कोई कब्जा करता हो,
आप बताइए, पहले क्या होता था, हम ही मुसलमानों ने अपने विधायक खड़े करे, सांसद खड़े करे, हम ही लोगों की जमीनों पर कब्जा हुआ। बताइए कौन हिंदू प्रत्याशी या कौन हिंदू विधायक आपकी जमीन पर कब्जा किया, आपकी जमीन पर बताइए। हम लोगों ने मुसलमान प्रत्याशी खड़ा करा था, सांसद बनाया, विधायक बनाया, बताइए आपका किसका कितना विकास हुआ। हम लोगों की जमीन पर ही हम लोगों की जमीनों पर कब्जे हुए, कोई नहीं आता था कहीं से। सब लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पर गुंडा राज खत्म हो चुका है और आगे भी कोई नहीं कर सकती, गुंडागर्दी नहीं होगी। मेरा एक सवाल आपसे है फरज जी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी, उसका कितना असर जो है कांग्रेस के ऊपर पड़ने वाला है, या ये निकाय चुनाव को लेकर है, क्या ये लोकसभा की तैयारी है? कोई नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कोई असर इस पर पड़ने वाला है, ये फालतू का दिखावा हो रहा, कुछ नहीं है, सबको देखा जाएगा, मुझसे तो कहने का कोई वही नहीं है। ये थी भाजपा जनता पार्टी की टीम जो कि कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में बहु बेटियां भी सुरक्षित हैं, किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, काफी लोग जो है मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हों, सभी भाजपा जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाता, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से भाजपा जनता पार्टी काम कर रही है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ फरहान खान, पब्लिक लाइव, मुरादाबाद। समीर।